प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट। 17 तारीख की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 90। बच्चों, ये कक्षा 4 की वर्कशीट है। टेक्स्ट बुक आपकी मैरी गोल्ड से है ये चैप्टर। ये पोयम लिया गया है वेक अप यूनिट 1, और हम इसकी पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं और मैं ये पोयम आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहली वर्कशीट जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी ये पोयम। पेज नंबर 2 पे है आपके मैरीगोल्ड के ये वाला पोयम। तो सबसे पहले नाम लिख लीजिए, फिर अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। वेक अप फ्लेचर। गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? यस, यू गेस्ड इट राइट। इट्स ई, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ दीज वर्ड्स। इसका मतलब है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, जो शब्द नीचे दिए हैं ये दो, इन्हें ध्यान से देखो। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? इनमें कॉमन क्या है, मतलब दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक जैसी है? यस, यू गेस्ड इट राइट, आपने सही गैस किया। इट्स ई, अगर आप देखेंगे चीप बीप, दोनों में क्या है, दो ई है चीप में और दो ई है पीप में, तो बीप और चीप में दो दो ई है। दैट इज प्रेजेंट इन बोथ दीज वर्ड्स, जो कि प्रेजेंट है इन दोनों में। नाउ राइट फोर वर्ड्स विच हैव ई इन देम। तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे कुछ 4 शब्द लिखने हैं जिनमें डबल ई आता है। ठीक है बच्चों, दो ई जिसमें, तो दो ई जिसमें आता है वो लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं पहला शब्द इजी वाला, शीप, क्योंकि सबको पता है शीप, एस एच ई ई पी, तो कितने ई हैं, दो ई हैं, शीप। फिर आप लिख सकते हैं क्वीन, क्यू यू ई ई एन, क्वीन, इसमें भी दो ई हैं, ओके, क्यू यू ई ई एन, क्वीन। फिर सीड, बीज होते हैं, एस ई ई डी, सीड, सीड हो गए बीज। इसके बाद आपके पांव, फीट, एफ ई ई टी, फीट। फिर आप लिख सकते हैं डियर, डी ई ई आर, डियर। मैंने 5 लिखे हैं, आप इनमें से कोई 4 लिख लीजिए। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप कैसे इन शब्दों को ढूंढ सकते हैं, आप अपनी बुक उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर खोल लीजिए और उन चैप्टर में ही अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई आपको ऐसे शब्द और मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन सी हियर अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने इन लाइन्स को देखना है, पढ़ना है और फिर आपने नीचे लिखना है कि आप क्या देखते हैं मॉर्निंग में या क्या सुनते हैं मॉर्निंग में। तो ये लाइन्स हैं, वेक अप, उठो उठो, इट्स अ लवली डे, कैसा डे है, लवली डे है, ओह प्लीज गेट अप, तो ये कह रहा है कि आप बस उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ और बाहर खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स क्या कर रही है, पेड़ों में बैठ के गाना गा रही है, एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप सुन सकते हैं क्या, मधुमक्खियों की जो मधुमक्खी भिनभिनाती है ना वो आवाज, उसे बजिंग कहते हैं। ठीक है, फिर अब आपने इन दो पॉइंट्स में लिखना है कि आप मॉर्निंग में क्या सुनते हैं या क्या देखते हैं। तो मॉर्निंग उठते ही हमें क्या दिखता है, सबसे पहले अगर हम बाहर निकले तो हमें सन दिखता है ना, सो वी सी, एस ई ई सी, सन, एस यू एन सन, वी सी सन आई एन इन द टी एच ई द मॉर्निंग। ठीक है, वी सी द सन इन द मॉर्निंग,
हम मॉर्निंग में सन देखते हैं। तो बच्चों इसे लिख लीजिए। तो बच्चों ये हो गया, एक बार पढ़ लेती हूँ। वी सी, यहाँ पे द लिखा नहीं है मैम ने, आप पक्का लिख लीजिएगा। वी सी द सन, हम सन को देखते हैं। वी सी द सन इन द मॉर्निंग, आपको स्काई लिखना है तो आप स्काई भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम मॉर्निंग में सन देखते हैं, स्काई देखते हैं, ब्लू स्काई। तो बच्चों दूसरा पॉइंट, हम क्या सुनते हैं? वी डब्ल्यू ई वी हियर एच ई ए आर हियर वी हियर द टी एच ई द चर्पिंग, चर्पिंग का स्पेलिंग सी एच आई आर पी आई एन जी। चर्पिंग का मतलब है चहचहाट, जो हमारे बर्ड्स चहचहाती है ना मॉर्निंग में, उसे कहते हैं चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हम बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं, ठीक है, चहचहाट सुनते हैं। तो पहला था हमारा वी सी द सन इन द स्काई, और दूसरा है वी हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। व्हाट डू यू थिंक द बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? तो आपको क्या लगता है कि बर्ड्स क्या कहते हैं मॉर्निंग में एक दूसरे से? व्हाट डू यू थिंक द बर्ड्स से टू ईच अदर, एक दूसरे से इन द मॉर्निंग? तो बच्चों जैसे हम एक दूसरे से मॉर्निंग में उठते ही एक दूसरे को विश करते हैं, बर्ड्स भी वही करते हैं। हम मॉर्निंग में उठते हैं एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वैसे ही बर्ड्स भी कहते हैं। सो द बर्ड्स आप लिखेंगे, द बर्ड्स से दे से एस ए वाई से गुड मॉर्निंग जी ओ ओ टी गुड मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिए। द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग टू ईच अदर ओ टी एच ई आर। ओके, सो द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, एक दूसरे से गुड मॉर्निंग कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हनी बीज आर वेरी हेल्पफुल इंसेक्ट्स। जो हनी बीज होते हैं मधुमक्खी, वो बहुत ही हेल्पफुल इंसेक्ट्स होती हैं, मतलब उनसे वो बहुत ही उपयोगी होती है। तो हमें मधुमक्खी से बहुत हेल्प मिलती है, वो बहुत चीजों में काम आती हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे, डू यू नो दैट दे हेल्प टू पॉलिनेट प्लांट्स, वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो मेक हनी, वो हनी बनाने में, हनी कहाँ से आता है? हनी बीज से ही तो आता है, तो हनी मिलता है हनी बीज से। और एंट लिव इन अ हाइव, हाइव क्या है? हाइव उनका घर है, ठीक है। हमने घर के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है, हर एनिमल का अपना घर होता है, वैसे ही हनी बीज का अपना घर होता है, जिसे हाइव कहते हैं। बीज हैव टू पेयर ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई, तो जो मधुमक्खी होती है इनकी दो पेयर ऑफ विंग होते हैं, ठीक है, दो विंग्स एंड कैन फ्लाई। देखो एक पेयर यहाँ है, दो विंग्स का पेयर यहाँ है, और दो विंग्स का पेयर यहाँ है, इन टोटल फोर। वन पेयर कंटेन्स टू विंग्स, ठीक है, पेयर टू पेयर ऑफ विंग्स, एक विंग इधर है एक विंग इधर है, एंड कैन फ्लाई, और ये फ्लाई कर सकती है, ठीक है। मधुमक्खी क्या कर सकती है? फ्लाई कर सकती है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। बीज आर हेल्पफुल, बीज क्या है? हेल्पफुल इंसेक्ट्स, ठीक है, आई एन एस ई सी टी एस, हेल्पफुल इंसेक्ट्स है। बीज हेल्प टू डैश प्लांट्स, प्लांट्स को क्या करने में हेल्प करते हैं? पॉलिनेट, पी ओ एल एल आई N A T E pollinate. Bees live in a hive. कहाँ रहते हैं? H I V E hive. तो बच्चों वर्कशीट यहाँ पे खत्म हो गई है। अभी देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव।
बच्चों को यह बताएं कि मधुमक्खियों के एक छत्ते में 25,000 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है, 25,000 से 1 लाख तक मधुमक्खियां एक साथ रहती है। तो सोचो आप एक छत्ते के अंदर कितनी रहती हैं, 25,000 से 1 लाख तक की मधुमक्खियां। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। आप बेल आइकन दबा सकते हैं नीचे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोविड अप्रोप्रिएट मैसेज दिया है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट की दूरी बनाकर चले जब भी बाहर जाएंगे और सुरक्षित रहें। तो बच्चों अब मिलती हूँ आपकी अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।